प्रदेश में कर्ज माफी का इंतजार कर रहे किसानों का सपना अब साकार होने जा रहा है। प्रदेश सरकार ने लखनऊ से लघु सीमांत किसानों के लिए फसल ऋण मोचक योजना की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि बीजेपी ने चुनाव के दौरान जो वादा किया था वो पूरा किया। राजनाथ ने कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, इसलिए जो वादा किया उसे निभाया। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर इस मौके पर 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य दोहराया। योगी ने कहा कि इससे पहले की सरकारों के एजेंडे में किसान नहीं थे, इसलिए वे कर्ज में डूब गए। योगी ने कहा कि इस सरकार को किसानों की फिक्र है, इसलिए पहले ही कैबिनेट मीटिंग में 36,000 करोड़ का कर्ज माफ करने का निर्णय लिया। किसानों के ऋण माफी को योगी ने एहसान के बजाय किसानों का अधिकार माना। बता दें कि किसानों की ऋण माफी योगी सरकार द्वारा उठाया गया सबसे बड़े कदमों में से एक है। इससे लगभग 86 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। NMF न्यूज की रिपोर्ट।